यह लेनोवो का लैपटॉप है, G50 45 मॉडल है, G50 45 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये चेक करना है हम लोग को, ठीक है ना। मेरे पास देखे गया है, बट बोल रहा था इसमें पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड को कैसे ब्रेक किया जाता है या रीसेट किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑन किया है, उनका विंडोज ओपन नहीं हो रहा है, पासवर्ड लगा हुआ है। तो ये देखिए पासवर्ड, सिस्टम पासवर्ड, ओके। तो इसमें कोई भी की प्रेस करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो इरोड स्टेटस आ रहा है, ठीक है। इरोड स्टेटस, एंटर इन करेक्ट पासवर्ड 3 टाइम, प्लीज पावर ऑफ योर सिस्टम एंड रिस्टार्ट इट अगेन सिस्टम हेल्थ। तो आप जैसे बंद करके फिर ऑन करेंगे, कुछ होने वाला तो नहीं है, देखिए नहीं खुल रहा है। फिर से सेम आया सिस्टम पासवर्ड, फिर कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का इशू है। तो ये डिस्प्ले कहाँ गया, ठीक है। तो इस टाइप का इशू है, तो इसको फिर बंद किया, फिर ऑन किया, तो इस टाइप का इशू है, ठीक है। इसका कीबोर्ड भी इशू है, कीबोर्ड का एक की तो है नहीं, और इधर से यूएसबी भी हम लगा के एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, देखिए। क्योंकि हमारे के सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि भाई लोग के पास भी पहुँच जाए और सीखने सके लैपटॉप में पासवर्ड लगने से कैसे रीसेट किया जाता है, ठीक है ना। तो हम दिखाने जा रहा हूँ अभी, देखिए ध्यान से। तो इसको पहले तो हम लोग को क्या करना है, ऑफ करना है। इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद में क्या करना है, ये यूएसबी को भी खोल दीजिए। अब इसको बैक साइड में कवर ओपन करके रखा है, ताकि जल्दी हो। और इसमें देखिएगा, ये रैम अपर साइड में दिखाई दे रहा है, सॉरी ये डाउन साइड में, एक अपर साइड में, अपर साइड में जो खाली है इसमें देखिएगा। इसको ऐसे घुमाइए, घुमाने के बाद में यहाँ देखिए जूम करके दिखा रहा है हम, ये लिखा हुआ है देखिए, जे, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, JCOMS, मतलब सीमोस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, जम्पर सीमोस 1। ये दो आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, गोल्डन कलर का दो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, उसको टच करना है, ओके। ये दोनों को टच करना है, उसके बाद में पावर ऑन कर देना है, ओके। दिखाई दिया, ये दोनों को टच करने के बाद में पावर ऑन करना है, जिसे ये ट्वीजर से दोनों पॉइंट को हम लोग को टच करना है, ओके। दोनों पॉइंट को टच करना है, टच करने के बाद में पावर ऑन करना है। तो उसको हम दिखा रहा है कैसे टच करना है और ऑन करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ऊपर उठाना होगा ना इसे फ्लिप को, या तो ट्वीजर से कीजिए या तो स्क्रू ड्राइवर से करने से भी होगा, माइनस का पॉइंट होना पड़ेगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे अभी, फर्स्ट तो हम लोग ये जो कि ऑफ है, तो इसको ऑन कर लेता पहले। तो ऑन करने से ये पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, फिर तो हम लोग को ऑन में इसको टच करना है, ठीक है। तो आराम से कीजिएगा, ज़्यादा टच मत कीजिए। तो अभी बढ़िया से देखना होगा, पॉइंट में टच करेगा, ठीक है। पॉइंट में टच कर दिया, पॉइंट में चार्ज कर दिया। पावर स्विच ऑन ऑफ करना है, ठीक है ना। पावर स्विच को ऑफ किया, फिर ऑन किया, इसको टच नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। टच करके रखना है दोनों पॉइंट का। अब ऑफ कर दिया, अब ऑन कीजिए, क्योंकि विंडोज पे ओपन नहीं हो रहा है, अभी भी गया नहीं है, ठीक है, या अभी भी पासवर्ड गया नहीं है। तो ये स्क्रू ड्राइवर से नहीं हुआ, तो इसी ट्वीजर से करना होगा। तो आपको ज़्यादा ओपन करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बाहर से रैम का स्लॉट का नीचे में दिया हुआ है सीमोस जम्पर, ठीक है, उसको रिसेट कर देने से हो गया। तो अब ऑफ हो गया, फिर से ऑन करेंगे, क्योंकि इसका पासवर्ड का लिए विंडोज भी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस टाइप का अगर इशू होता ना, अभी भी नहीं हुआ। तो तब पॉइंट में लगाना है, ठीक है। अब ऑफ कर दिया, फिर ऑन करेंगे, फिर अभी तक गया ही नहीं क्या, पासवर्ड दिया नहीं है, पासवर्ड अभी तक पासवर्ड नहीं है। तो इसको, क्योंकि इसमें टच नहीं हो रहा है अच्छा से, ठीक है।
इसको टॉक अगर अच्छा से होगा तो जरूर जाएगा। फिर ऑन कीजिए, अच्छा तरीके से टच होगा तो जरूर जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चला गया, देखिए 19 रन हो गया। ठीक है, तो पॉइंट में अच्छा तरीके से पिन करना है, ठीक है ना, टच करना है। हल्का से टच होगा तो आपका रिसेट नहीं होगा पाइप, ठीक है। तो देखिए कितना इजी से सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, रिसेट करना है, ठीक है ना। बट हॉट मॉडल में नहीं होता है ये, पुराना मॉडल में जितना है सारा में होता है। और एचपी वगैरह जो 1000 या डेल का एसआर का जितना भी मॉडल है, इसमें क्या होता है, आपका पासवर्ड रीजेनरेट होता है, ठीक है ना। उसमें कोई डिजिटल कोड जेनरेट होता है, जैसे आप 3 टाइम को एंटर प्रेस करेंगे तो 4-5 डिजिट का आपका डिजिट, जो 4-5 अंक का डिजिट जेनरेट होता है, वो जिसको हम लोग को क्या करना है, वो जेनरेट जो हो गया वो नंबर को हम लोग को गूगल में सर्च करना है, ठीक है। बायोस सिमोस कुछ बोल के है, उसमें सर्च करने से वो हमारा वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो उसी टाइप से आप लोग को उसको पासवर्ड को रिसेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका करने का समझ गया, ये हो गया लेनोवो का 5045 मॉडल। ओके, तो इस टाइप से हम लोग को जेनरेट करना है। तो वीडियो का नॉलेजेबल है वीडियो, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ना भूलिए।